Under the category of isolation of different phytoconstituents, now I will discuss the isolation of glycosides. Glycosides are the, as the name indicate, these contain the sugar moieties. Glyco जो term है इससे आप indicate कर सकते हैं that ग्लाइकोसाइड्स से आपको टर्म को इंडिकेट होता है कि शुगर होगा, शुगर मॉइटी है. ग्लाइकोसाइड इज एनी मॉलिक्यूल इन विच अ शुगर ग्रुप इज बॉन्डेड टू एन एनोमेरिक कार्बन टू अनदर ग्रुप वाया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसाइड्स के अंदर एक होता है ए ग्लाइकोन मॉइटी और एक होता है ग्लाइकोन मॉइटी. ए ग्लाइकोन मॉइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग and glycone moiety is a sugar moiety which is responsible or which takes part in the solubility of that particular compound. This enhances the solubility. Glycosidic bond is a certain type of chemical bond that joins a sugar molecule to another molecule, and the sugar group is known as glycone and the non sugar group is known as the aglycone moiety. As I have already told you that aglycone have therapeutic activity whereas glycone has a sugar moiety or which helps in the solubility. Glycosides ki agar hum classification ki baat karenge to glycosides mein bhi bahut sare jaise chemically depending comes anthraquinone glycosides hain, cardiac glycosides. एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में जैसे एलो, एलो क्वारगंध आपको पता होगा, एलोवेरा का प्लांट है, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड. कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स में आपके आते हैं डिजिटालिस प्लांट, जिसको हम फॉक्स ग्लोव लीव्स भी बोलते हैं. डिजिटालिस परप्यूरिया से हमें मिलता है. डिजिटालिस इज अ वेरी इफेक्टिव कार्डियोटोनिक एजेंट. एंड नेक्स्ट इफ वी विल टॉक अबाउट द सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, saponin means these have a form for forming property. Form forming property की अगर soap like activity हो, soap like compounds हो, जैसे हम licorice की बात करते हैं, licorice होता है आपका मुलट्ठी. लिकोराइज जैसे ग्लिसराजा है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर आपकी जिससे हमें मिलता है ग्लाइसरेसिनिटिक एसिड. लिकोराइज मुलट्ठी को बोलते हैं, जो वो भी घर में बहुत यूज़ की जाती है. दिस इज एक्ट एज अ स्वीटनिंग एजेंट इन द कफ सिरप्स. इट इज़ आल्सो यूज्ड एंड फॉर द कलरिंग पर्पसेस मुलट्ठी इज़ यूज्ड. तो ये कैटेगरी आती है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर. और इसी तरह आपके अगर आप ग्लाइकोसाइड्स को और डिफ्रेंशिएट करो तो आपके एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, फिनोल ग्लाइकोसाइड, बहुत सारी कैटेगरीज हैं. अगर हम बात करें कि ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो हमने बात करी कि ए ग्लाइकोन मॉइटी ग्लाइकोन मॉइटी के साथ एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बाउंड होती है, कंडेंस होती है, तो इसके आधार के ऊपर भी हम ग्लाइको वी कैन क्लासीफाई द ग्लाइकोसाइड. जैसे इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें हम कैटेगराइज करते हैं सी ग्लाइकोसाइड्स, एन ग्लाइकोसाइड्स, एस ग्लाइकोसाइड्स, ओ ग्लाइकोसाइड्स. सी ग्लाइकोसाइड्स मीन्स दैट जो इसके अंदर जो शुगर मॉइटी है दैट इज अटैच विद द कार्बन ऑफ द ए ग्लाइकोन मॉइटी. ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे एलो, एलोवेरा के अंदर जो आपके प्रेजेंट होते हैं एलोइन है, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ द सी ग्लाइकोसाइड. नेक्स्ट कम टू ओ ग्लाइकोसाइड, दैट मीन्स शुगर मॉइटी इज अटैच विद द ऑक्सीजन ग्रुप एंड इन दिस एग्जाम्पल इज सेना. सेना इसका है एलो, ओ की बात करें तो सेना. सेना इज अ परगेटिव, आप सेना को एज ए परगेटिव यूज़ करते हैं. परगेटिव मीन्स द एजेंट्स विच आर यूज टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन और विच हेल्प्स इन द इवैक्यूएशन ऑफ द स्टूल्स फ्रॉम द जीआईटी. इफ वी विल कम टू द
एन ग्लाइकोसाइड्स, दैट मीन्स द नाइट्रो ऑफ अमाइनो एसिड ग्रुप इज अटैच विद व्हेन दे हैव अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विद द ग्लूकोज, एंड अंडर द एस मीन्स सल्फर, सल्फर ग्रुप ऑफ ए ग्लाइकोन इज अटैच विद द ग्लाइकोसाइड. फाइन, एंड इन दिस एग्जाम्पल इज ब्लैक मस्टर्ड. ब्लैक मस्टर्ड जो सरसों होती है, ओके आई विल राइट हियर ब्लैक मस्टर्ड. ब्लैक मस्टर्ड से आपको सीन ग्रीन मिलता है, दैट इज यूज्ड. फाइन, नेक्स्ट अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे जो दो ड्रग्स, वो है ग्लाइसोरेजेनेटिक एसिड एंड रूटीन. इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइड की कैटेगरीज में. अगेन यू शुड नो व्हाट आर ग्लाइकोसाइड, व्हाट आर देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड व्हाट इज देयर सॉल्युबिलिटी, एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लाइकोसाइड मॉलिक्यूल्स. मीन्स ए ग्लाइकोन मीन्स विच इज नॉन शुगर मॉइटी एंड हैव अ थेरेप्यूटिक एक्टिविटी. ग्लाइकोन पार्ट इज अ शुगर मॉइटी विच इज हेल्प्स इन द सॉल्युबिलिटी. एंड अंडर दिस कैटेगरीज अमंग द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, फिनोल ग्लाइकोसाइड, वी विल हियर डिस्कस ओनली टू ग्लाइकोसाइड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज. वन इज अ पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड ग्लाइकोसाइड, अंडर दिस इज अ ग्लाइसोरेजेनिक एसिड, एंड फ्लेवोनोन ग्लाइकोसाइड्स रूटीन. Flavone is a ring. Okay, I will discuss later. First, we will discuss this triterpenoid skeleton. This is a triterpenoid skeleton which is in the drug licorice. Glycyrrhizinic acid is a pentacyclic triterpene acid, and biological source is Glycyrrhiza glabra. This is obtained from the roots or stolons of Glycyrrhiza glabra, and family is Leguminosae. What are the uses? Uses is, this is a natural sweetener. As I have told you, this is used as a sweetening agent in the cough syrups. This is anti-inflammatory. So, इसकी दो activity हो जाएंगी cough syrup में. एक तो anti-inflammatory है कि अगर सूजन आ गई है आपके respiratory tract के upper respiratory tract में cough है, तो एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होगा, दूसरा इसका क्या होगा, स्वीटनिंग एजेंट, कि वो जो प्रेपरेशन है आपकी फार्मास्यूटिकल, उसको ये सिरप्स को क्या करेगा, एक स्वीट टेस्ट देगा. देन दिस हैज एंटी अल्सर प्रॉपर्टी, एंड दिस इज कॉमनली नोन एज लिकोराइज मुलट्ठी, विच इज ऑल्सो यूज इन होम किचन. एक किचन में आपको आपकी जो किचन होती है हमारी घर की, उसमें बहुत सारी हमारी ऐसी हर्ब्स यूज़ की जाती हैं डिफरेंट फूड आइटम्स में, लाइक ओसिमम सेंटम, तुलसी. तुलसी को हम यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि उसकी उसको डिकॉक्शन बना के उसकी चाय में पियो, तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव. एंड देन हम बात करते हैं मुलट्ठी की, गला ख़राब है, हनी की बात करते हैं. हनी जो है आपका सूदिंग इफेक्ट देता है, कफ सिरप्स में यूज़ होता है हनी. उसके बाद आप अगर आप करक्यूमिन पे आ जाओ, जैसे कि हल्दी है, इस ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है. इसी तरह हमारी बहुत सारी ऐसी हम जो फार्माकोग्नोसी में जो ड्रग्स है जो हमारे हमारी डेली लाइफ में इर्द गिर्द घूमती हैं, और बस हमें उस पर अवेयर होना है कि हाउ वी कैन टेक देम, कि हम उसका कितना अवेयरनेस है, क्योंकि आप तभी उसके बारे में उसका फार्माकोग्नोसी यू कैन रिमेंबर द बायोलॉजिकल सोर्स नेम, दिस इज़ अ जीनस, दिस इज़ अ स्पीसीज. आप इसके बारे में तभी ज़्यादा पढ़ पाओगे अगर आप अवेयर होगे. जैसे मैं बात कर रही हूँ लिकोराइज की, लिकोराइज इज़ अ मुलट्ठी, और जो ग्लिसरेजेनेटिक एसिड है दिस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द मुलट्ठी और लिकोराइज. एंड व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स? बायोलॉजिकल सोर्स इज ग्लाइसरेजा ग्लेब्रा. ग्लाइसरेजा इज़ अ जीनस एंड दिस इज स्पीसीज, यू ऑल नो दिस इज़ अ बायनोमिनल नोमेनक्लेचर फॉर एनी स्पीसीज. किसी भी हमने किसी को नाम देना होता है तो उसके लिए हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिकोराइस इज ग्लाइसरेजिन, विच इज़ अ पोटाशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइसरेजिक एसिड. आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट अफोर्ड्स
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोनिक एसिड एंड ए ग्लाइकॉन ग्लाइसरेजिनेटिक एसिड. इसके अंदर दिस इज अ ए ग्लाइकॉन मॉइटी विच इज अ ट्राई टर्पिनोइड स्ट्रक्चर. दैट मीन्स देयर केमिकल मॉइटी इज अ ट्राई टर्पिनोइड. फाइन. नेक्स्ट कम टू द प्रोसीजर फॉर आइसोलेशन. फॉर दिस वी टेक द एक्यूरेटली वे क्वांटिटी ऑफ कोर्स पाउडर ऑफ ग्लाइसरेजर रूट्स, एक्सट्रैक्ट दैट पाउडर विद द क्लोरोफॉर्म, then filter and discard the filtrate. We will take the mark. Again, I'm telling you, there are the two things in the filtration, mark and filtrate. Filtrate क्या है? जो आपका solvent के साथ नीचे बचता है. और mark क्या है? वो solid, वो crude drug जो कि आपकी filter medium के ऊपर बचती है. हमें उसको लेना है, mark को. हमें discard कर देना है filtrate को और लेना है mark को. मार्क को लेके हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट द मार्क विद द 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर फ्यू आवर्स, फिल्टर द एक्सट्रैक्ट एंड फिल्ट्रेट विद द 3 पोर्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म. सेपरेट एंड कंबाइन द क्लोरोफॉर्म लेयर्स. डिस्टिल ऑफ द क्लोरोफॉर्म. एक्सट्रैक्ट टू यील्ड अ ड्राई रेजिड्यू ऑफ ग्लिसराइजिनेटिक एसिड. फाइन. Next come to the identification test, then that how we will identify that the extracted phytoconstituent is glycyrrhizinitic acid. So for this we will do test, chemical test, like we identify the phytoconstituents by different method. What is one is a chemical test, one is the chromatography methods, and another one is spectro modern analytical techniques. These comes under the modern analytical techniques ki hum different chromatographic methods ko use karke ya spectroscopy methods ko use karke we can identify. So here I am discussing the chemical test. One is the Liberman test. In this we mix the 2 ml of the extract with 2 ml of acetic anhydride, boil it and add 0.5 ml of sulfuric acid. What it will give? It will give the blue color, which will indicate that there is the presence of glycyrrhizinitic acid. Next is the Liberman-Bouchard test. In this test there will be a difference of one region. In this mix 2 ml of test and with the 1 ml of chloroform and 1 ml of acetic anhydride, and then add 1 drop of sulfuric acid, and this will give blue green to red orange color on inference. If it will that react with the glycyrrhizinic acid present in the sample solution, it will give blue green to red orange color, which will indicate that the sample we extracted is a glycyrrhizinic acid. Then again come to the chromatographic technique is the HTLC and HPTLC. TLC is thin layer chromatography, HPTLC is high performance thin layer chromatography. In this we get the stationary phase and mobile phase. Again I am telling you what is chromatography. Chromatography is an analytical technique in which we can separate or we can analyze different phytoconstituents or different constituents depending upon their affinity towards the stationary phase or towards the mobile phase. Stationary phase, what is stationary phase? Stationary phase we use silica gel slurry, silica gel mainly as a stationary phase, and in mobile phase we use the different solvent with which the phytoconstituents can be eluted. Means the phytoconstituent should have affinity towards the stationary phase or towards the mobile phase. Then in this we use stationary phase silica gel G, mobile phase ethyl acetate, formic acid, glacial acetic acid in the ratio 15:1:1, or we can take butanol, glacial acetic acid, water in the ratio 7:1:2. Then inference is by the detection with the spray with the anhydride sulfuric acid reagent. Heat to 110 degrees Celsius for 10 minutes or blue fluorescence in UV cabinet at 366 nanometer. We can detect it with the spraying any chemical reagent, or we can get the absorbance under the UV cabinet. So this will give the your analytical result.
देन कम टू द सेकेंड कंपाउंड अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्लाइकोसाइड इज ल्यूटीन, बट द ल्यूटीन इज अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लेवोनॉल ग्लाइकोसाइड. What are flavonol glycoside? Flavonol occurs in the plants as a glycoside with one or more type of phenolic hydroxyl groups and combined with the sugar residues. The basic structure of flavonoid is there is a aromatic ring A which is condensed with the another ring which we will name C. And this is again connected with the aromatic ring B. So this is the basic structure for the flavonoid. This is A ring, this is C ring, this is B ring. Fine. So there are the different group substitution on these rings which will give the molecular structure of different phytoconstituents. Here we will talk about the rutin. Categories of flavonol glycoside, biological source, it can be extracted from the leaves of Phagopyrum esculentum, esculentum also known as buckwheat. इसको हम buckwheat भी बोलते हैं. buckwheat को बोलते हैं कुट्टू. अगर हिंदी में बात करें इसको कुट्टू बोलते हैं. उसमें से हमें ये मिलता है रूटीन. फाइन. रूटीन के और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं. जैसे हम बात करें तो मोस्टली जो सिट्रस है उनमें से हमें रूटीन मिलता है. हमें एप्पल से रूटीन मिलता है, फिक्स से भी रूटीन मिलता है हमें, और बोथ ब्लैक एंड ग्रीन टी. ब्लैक एंड ग्रीन टी आर द सोर्सेज ऑफ द रूटीन. फाइन. तो ये जो आपकी रूटीन है इसका क्या एक्शन होता है आपको सबको पता है. जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं हम खाते हैं, हम बोलते हैं कि दीज आर वेरी इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी. दीज आर एंटीऑक्सीडेंट. फाइन. सो दीज आर हैव अ इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, एंड द मेन एक्टिविटी इज द स्ट्रेंथन द कैपिलरीज. मीन्स दिस जैसे यूज में है कि this is used as a capillary fragility factor. What do you mean by capillary fragility? Capillary fragility is a measure of the resistance to of the rupture of the small blood vessels. ki jo small blood vessels hai, capillaries hai, unki ruptures ko kitna wo resist kar sakta hai, uske aadhar pe hum capillary fragility factor karte hain. jo hamara rutin hai ye help karta hai. this increases the flexibility. Increases the flexibility of the blood vessels in the arteries and capillaries, and it also help in preventing the blood clot. Also prevent blood clot. So this is a very important phytoconstituent which helps in to maintain the flexibility of blood vessels and resist the rupture of the blood vessels. Then this is a chemical structure for the and the IUPAC name for the rutin. Here I will tell you this is the flavon basic structure jo kari thi. This is a basic moiety. This is a A ring, this is a B ring, this is the C ring. जैसे आपको बताया कि फ्लेवोन में एरोमेटिक रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं A, उसके साथ सी है और साथ में इसके है आपकी सी रिंग. फाइन. प्रोसीजर फॉर द कम टू द प्रोसीजर फॉर द आइसोलेशन. टेक द एक्यूरेटली वेट क्वांटिटी ऑफ कोर्स पाउडर ऑफ द फैगोपायरम लीव्स. फैगोपायरम अगेन आई वांट टू टेल यू दिस इज बकवीट. This is a type of grain जिसको मैंने बताया कुट्टू बोलते हैं. This is a type of food grain. Then defat the powder with the anhexane. Anhexane is mainly used for defatting. That's why discard this filtrate. We will discard this filtrate and extract the mark with 78% alcohol for 1 hour.
filter and evaporate the solvent to obtain a dry residue. Dissolve this residue in sufficient quantity of 30% acetone, then filter and evaporate the filtrate to 1/4 of original volume, ki jitna uska original like 100 ml to 25 ml tak usko we have to evaporate that, fine. Add sufficient quantity of 5% aqua solution of borax until resulting pH 7.5. हमें उसकी pH maintain करनी है with the continuous stirring. How you will maintain the pH? You will you can use the pH meter or pH paper and you are just continuously adding. धीरे धीरे करके उसको डालना ताकि उसका वो pH maintain हो जाए. Fine. Then add sufficient quantity of solid sodium chloride with stirring. Filter and acidified the clear filtrate with phosphoric acid to bring pH 5.5. देखिए पहले हम उसकी अल्कलाइन की तरफ pH ले गए थे, अब हम उसको एसिड डाल के उसकी pH को हमें 5.5 करना है. pH मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एज सॉल्युबल हैं या फ्री बेस हैं, वो pH के ऊपर डिपेंड करेगा और हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं. जैसे अल्केलॉयड के केस में होता है कि हमें वो जो आपके अल्केलॉयड्स हैं वो फ्री बेसिस हैं, तो हमें उनको पहले एसिड डाल के उसको हमें सॉल्ट फॉर्म में करना है. दोबारा से जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे सॉल्वेंट के साथ तो हम उसको फ्री बेस में दोबारा से अल्केलाइन करके ले आते हैं. इसी तरह जो पीएच मेंटेन जहाँ पे है तो पीएच जो है वो दूसरे की सॉल्युबिलिटी के बारे में जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट की सॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है कि वो किस पे हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. देन स्टर फॉर 15 मिनट्स, फिल्टर एंड वॉश द रेजिड्यू विद 20% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. अगेन फिल्टर एंड एवेपोरेट द फिल्ट्रेट टू 500 डिग्री सेल्सियस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. एड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन हॉट कंडीशन टू ब्रिंग पीएच 1.5. दोबारा से आपकी 7.5 से 5.5 करी थी आपने, फाइन. अब इसको दोबारा से और एसिडिफाई करना है, इसकी और जो है आपको पीएच रिड्यूस करनी है, एसिडिक मीडियम की तरफ ले जानी है. पीएच हम इसकी मेंटेन करेंगे 1.5 पे. देन कूल एंड कीप इन रेफ्रिजरेटर ओवरनाइट. इसको फॉर द ओवरनाइट यू हैव टू कैप्ट योर प्रिपरेशन इन द रेफ्रिजरेटर सो दैट द क्रिस्टल्स ऑफ रूटीन विल सेपरेट आउट. कलेक्ट इट एंड ड्राई टू कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड. फाइन. तो जब हम रूटीन की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसमें पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको किन किन स्टेप पे उसकी पीएच अल्केलाइन से एसिडिफाई करनी है, फिर उसको और ज़्यादा एसिडिफाई करना है ताकि जो रूटीन के क्रिस्टल्स हैं वो आपके क्रिस्टलाइज हो जाएं, वो आपको जो प्रोडक्ट आपका है वो मिल जाए आपको, फाइन. नेक्स्ट फॉर दिस वी विल डू द शिनोडा टेस्ट. शिनोडा टेस्ट इज़ अ केमिकल टेस्ट विच इज़ फॉर द फ्लेविनॉइड्स. इसमें हम क्या करते हैं, देखिए फिर से हम आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बताना चाहूँगी, हम केमिकल टेस्ट करते हैं और हम डिफरेंट एनालिटिकल मॉडर्न एनालिटिकल जो टेक्निक्स हैं जिसमें आपकी आती है क्रोमैटोग्राफी आती है, फाइन, आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपीज आती हैं. क्रोमैटोग्राफी में बहुत फर्दर है TLC, HPTLC, HPLC, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, फ्लैश कॉलम क्रोमैटोग्राफी. स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपकी UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR, देन NMR. तो ये दीज आर द मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक. MAT मीन्स मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स विच आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स, फाइन. For this we will do Shinoda test. Shinoda test is done for the flavonoid and identification of flavonoid. What we will do, we will add the magnesium powder and the few drops of concentrated hydrochloric acid or sulfuric acid to 2 ml of sample solution. Fine. We can also use the magnesium strings. जो magnesium जो धातु है उसकी strings भी होती हैं वो भी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं. और इससे आपका inference क्या आएगा, orange pink to red purple color will indicate the presence of that flavonoid compound.
एंड इन मॉडिफाइड नोडा टेस्ट व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द जिंक इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम. द डिफरेंस इज ओनली वी विल यूज जिंक इन प्लेस ऑफ मैग्नीशियम एंड दिस विल गिव डीप रेड टू मैजेंटा कलर. जैसे एल्केलॉइड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है ड्रैगन डॉर्फ रेजिन टेस्ट, इसी तरह फ्लेविनॉइड्स के लिए जो केमिकल टेस्ट है कंफर्मेटरी टेस्ट दैट इज शिनोडा टेस्ट. नेक्स्ट टेस्ट इज द सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट. व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द सैंपल एंड वी विल ऐड सल्फ्यूरिक एसिड इन इट एंड इट विल गिव डीप येलो कलर टू रेड ऑरेंज. फाइन. Next lead acetate test, in this we will use the lead acetate solution and mix it with the our test sample and this will give the yellow precipitate. Next come to alkali test. In this test we will treat our solution test sample solution with the increasing amount of sodium hydroxide and this will give yellow color. विच विल डी कलराइज आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड. इसमें क्या होगा कि हम जैसे अल्कली ऐड करेंगे सैम्पल में तो उससे येलो कलर प्रोड्यूस होगा. हो गया एक बार. लेकिन जब आप उसी जो आपका सैम्पल प्लस अल्कली है उसके अंदर आप एसिड के एडिशन करोगे तो वो जो येलो कलर प्रोड्यूस हुआ था डैट विल डी कलराइज, वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से. फाइन. दीज आर द आइडेंटिफिकेशन केमिकल टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूटीन. Next, we will talk about the chromatography techniques. In this, we will discuss TLC, that is the thin layer chromatography, HPTLC, high performance thin layer chromatography, HPLC, high performance liquid chromatography. These are the modern analytical technique which are used to, these are analytical techniques which are used to separate or analyze different phytoconstituents or different compounds depend upon their adsorption or partition coefficient and their affinity towards the stationary phase as well as mobile phase. In this we will use stationary phase which will have a silica gel and mobile phase N-butanol glacial acetic acid water in the ratio different ratios and what is the inference, this will give the absorbance at the UV cap in the UV cabinet at 366 nanometer. Fine. जो हमारा components होते हैं phyto constituents हो जाएँ या compounds हो जाएँ उसमें ये important होता है कि जो आपकी अगर तो आपकी जो कंपाउंड है एक सपोज करो इसकी स्टेशनरी फेस की टुवर्ड्स एफिनिटी ज़्यादा है तो ये कम रन करेगा मतलब आगे ऊपर बढ़ता जाएगा. अगर दूसरे कंपाउंड की ज़्यादा है मोबाइल फेस के टुवर्ड्स और इसके टुवर्ड्स कम है स्टेशनरी फेस के टुवर्ड्स तो वो ज़्यादा रन करेगा. और हम इसका क्या कैलकुलेट करते हैं, रिटेंशन फैक्टर करते हैं, दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट. तो हम इसमें इसमें एब्जॉर्प्शन से भी मेजर कर सकते हैं. हम डिफरेंट स्प्रेइंग एजेंट भी यूज़ करते हैं बहुत सारी TLC HPT स्प्रेइंग TLC को में डिटेक्ट करने के लिए फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को. तो नेक्स्ट है आपकी HPLC. HPLC इज योर, इन दिस वी विल यूज़ द आइसोक्रेटिक. अगेन आई विल टॉक अबाउट द HPLC. दिस इज आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट टाइप. वट इज द डिफरेंस, आइसोक्रेटिक मीन्स दैट द मिक्सचर ऑफ योर मोबाइल फेस, मिक्सचर ऑफ योर मोबाइल फेस इज कंसिस्टेंस ओवर द कंप्लीट टेस्टिंग टाइम. वेयर एज इन ग्रेडियंट डेट इम्प्लाइज द कंपाउंडिंग ऑफ द एल्यूएंट मिक्सचर इज चेंज ड्यूरिंग द मेजरमेंट एंड सो इन्फ्लुएंस द रिटेंशन ऑफ द एनालाइट्स. फाइन. एंड दिस, इन दिस वी यूज स्टेशनरी फेस C18, मोबाइल फेस फॉर्मिक एसिड, एसिटोनाइट्राइल 70:30 एट 35 degrees Celsius. And detection we will did at UV visible detection 340 nanometer. For further if you want more for these topics about the glycyrrhizinic acid or about the rutin, you can refer these books. From these books you can get the material to study. Thank you.